लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा पार्टी ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है, भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में विश्वास है, इसलिए कांग्रेस मुक्त देश की कल्पना देश ने की थी। नेतृत्व की कमजोरी और नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व जिसे दुनिया स्वीकार कर रही है, इसी का परिणाम है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोग नाखुश होकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति और विश्वास है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, इसीलिए कांग्रेस मुक्त देश की कल्पना जो देश ने की थी। आप ये देखिए कि कहीं कहीं नेतृत्व की कमजोरी के कारण और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व जिसको दुनिया स्वीकार कर रही है, तो उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से सभी लोग वहाँ के नेतृत्व से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी विजय राठकर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने का कारण ये है कि वो कांग्रेस में बहुत निराश हैं। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति बहुत अच्छी है, लोग बहुत खुश हैं। मुझे विश्वास है कि हम राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें जीतेंगे। बीजेपी में आ रहे हैं उसका कारण ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इतने सालों में कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद भी आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो डेवलपमेंट को लेकर जो नीति है ये बहुत अच्छी है और लोग उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और यहाँ पर मोदी जी के साथ मिलकर काम करना भी ये चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और हम जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं। इस चुनाव में संगठन काम करने के लिए सज्ज हो गया है, अलग अलग तरीके से हमारी बैठकें शुरू हो गई है और चुनाव में अच्छा काम अभी हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस संगठन के बलबूते पे प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं उसी को सब साथ लेकर हम राजस्थान की सभी सीटें हम जीत कर आएंगे।